हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रासोवेन टैबलेट के बारे में, ग्रासोवेन एफी टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके प्राइस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ग्रासोवेन टैबलेट में साल्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो साल्ट है फ्रेंड्स, वो है ग्रिसफल्विन 250 mg। तो जो ग्रिसफल्विन 250 mg साल्ट है, ये एक एंटी फंगल साल्ट है फ्रेंड्स। एंटी फंगल साल्ट है। उसका जो बेसिकली यूज होता है फ्रेंड्स, जो किसी भी टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा दाद वगैरह हो गए उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है ग्रासोवेन टैबलेट एफी का। जो एफी है फ्रेंड्स, उसका यूज़ मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिजॉल्विंग कम होती है, इसलिए इसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा फाइन किए गए हैं। टैबलेट रूप में इसको रूप दिया गया है जो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए स्टमक में जाके, इसलिए इसके फाइन पार्टिकल्स किए गए हैं। तो कुछ टैबलेट होती हैं जो डिजॉल्व सही से नहीं होती, तो उनके फाइन पार्टिकल्स किए जाते हैं फ्रेंड। तो ये इसके मतलब यूज़ हो गया एंटी फंगल। तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला दाद हो गया है, मतलब एक हिसाब से मान लेते हैं हम लोग कि जैसे कि हर मेडिसिन खा के देख लिए दाद के लिए, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो कोई मेडिसिन, जो बड़ी बड़ी मेडिसिन है, वो इफेक्ट करना छोड़ गई है, तो लास्ट में इसको ग्रासोवेन को दिया जाता है। इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो 100% आपको मिलना ही मिलना है। तो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलने ही वाला है फ्रेंड्स। तो किसी भी प्रकार का दाद हो, खुजली के लिए नहीं, दाद रिंग वर्म हो जाता है, जो गोल गोल चकत्ते वाला दाद, और जैसे कि कभी दाढ़ी पे भी होता है, बियर्ड पे हो जाता है दाद, या फिर कान के पास में दाद हो जाए, या सर के अंदर दाद हो जाता है, या फिर हमारे जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनके पास ये दाद हो जाते हैं, या फिर जांघों के बीच में दाद हो जाते हैं, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है आपको फ्रेंड। तो ये रिजल्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट मिलेगा। अगर कोई मेडिसिन, हर मेडिसिन काम करना बंद कर गई है आपके दाद के लिए और पुराने से पुराना दाद है, तो उस टाइम पर आप इसको यूज़ करिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में, कैसे देनी है। और फ्रेंड्स, एक यूज़ और है इसका, जैसे कि नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नेल्स हो जाते हैं, जो नेल्स में कवक वगैरह आ जाते हैं, तो नाखून सड़ने लगते हैं, के हिसाब से नाखून टेढ़े होने लगते हैं और नाखूनों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नाखूनों में, उस टाइम पर इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी रिजल्ट बेटर मिलता है नाखूनों के इन्फेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो एक यूज़ था नाखूनों के लिए। अब बात करते हैं हम इसके डोसेज फॉर्म के बारे में। तो इसके जो डोसेज फॉर्म है फ्रेंड्स, मतलब 250 mg टैबलेट चाहिए, तो इसको आप बीडे भी दे सकते हैं, और एक इसमें आता है 500 mg टैबलेट, तो उसको दिन में एक बार दिया जाता है। इसकी एक और डोज आती है, वो आती है 125 mg, तो वो बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। तो अगर 125 mg देनी है तो आप इसको दिन में चार बार भी दे सकते हैं। फिर वो डोज फ्रेंड्स डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब बॉडी वेट और पेशेंट का वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डोज को सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन मैंने जो प्रॉपर डोज हो गई है, मतलब प्रॉपर डोज होती है, वो मैंने आपको बता दिए कि सुबह शाम एक टैबलेट दे सकते हैं 250 mg के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ यूज़ थे, डोसेज फॉर्म थे। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप लंबे टाइम तक इसको डॉक्टर चलाते हैं, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन है, उस टाइम पर आपको 750 mg तक लिमिट दे सकते हैं डॉक्टर। वो डॉक्टर आपके बॉडी वेट डोज और बीमारी की कंडीशन देख के आपको बताएंगे। वैसे इसके डोसेज फॉर्म हो गया। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट फ्रेंड्स बहुत कम देखने को मिले हैं, तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, बस नॉर्मल कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक डिसऑर्डर, या फिर स्टमक पेन, मरोड़ वगैरह, ऐसी कोई दिक्कत लगी तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन कोई मेडिसिन ना ले फ्रेंड्स, आई हम बोल रहे हैं, ये चैनल ऑनली बेसिक नॉलेज के लिए फ्रेंड्स। तो ये इसके डोसेज फॉर्म हो गए, अब साइड इफेक्ट हो गए। और एक नोटिस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ फ्रेंड, इस टैबलेट को अगर किसी प्रेग्नेंट महिला खाती हैं तो किस टाइम पर नहीं देनी है इस टैबलेट। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उस टाइम पर नहीं देना है। माँ अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर भी इसको नहीं देना है फ्रेंड। या फिर जिन लोगों ने अनवांटेड किट वगैरह ले रखी है, जो किट को गर्भपात करने के लिए महिला जो टैबलेट खाती हैं, उसके जस्ट बार अगर इसको आप खाएंगी तो इसके द्वारा जो इससे रिएक्ट करने के बाद उसका असर कम हो जाएगा, जिससे आपको गर्भ ठहरने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी फ्रेंड। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी अनवांटेड टैबलेट के बाद इस टैबलेट को नहीं खाना है, क्योंकि अनवांटेड टैबलेट का ये टैबलेट असर खत्म कर देगी, उसके बाद आपके गर्भ ठहरने की ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी, तो फ्रेंड गर्भ ठहर सकता है उस टाइम पर। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस था।
ब्रेस्ट फीडिंग वाले को नहीं देना है, किडनी लीवर किडनी या फिर लीवर में दिक्कत है उन लोगों को भी ये टैबलेट नहीं देनी है। तो फ्रेंड ये तो एक छोटा सा रिव्यू था, एक बार